अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकअप बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ कैजुअल मेकअप शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी वे में, जस्ट 2-3 मिनट में आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं। मैं डिटेल में बताऊँगी आपको, और साथ आप ब्लो ड्राई आपको बताऊँगी करना बहुत ईजी वे में। ये मेरी फाइनल लुक आपके सामने है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी जी। सबसे पहले मैंने प्राइमर यूज़ किया, उसके बाद ये देखिए फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसको आप फिंगर टिप के साथ भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा फिंगर टिप के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्किन के साथ बहुत अच्छी तरह आपकी फाउंडेशन मिक्स हो जाती है। ये मैंने लगाया, उसके बाद ये मैं कंटूर कर रही हूँ। नोज़ को कंटूर करते हुए आइस के साथ आईब्रो के अंदर उसको मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही लाइट वे इनका करना है नेचुरल में। और आप इसी तरह इसको करेंगे कंटूर, और आप कान के सामने से जो हमारी चीक्स बोन है वहाँ पे रखते हुए आपने चीक्स की कंटूर करनी है। बिल्कुल लाइट सी मैंने करनी है इनके, क्योंकि कैजुअल मेकअप है और लेकिन कंटूरिंग करना लाजमी है। इससे आपके फीचर इन्हेंस होते हैं, और आप इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। कोई भी आप काम करेंगे तो आपको अच्छी तरह इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए मैंने जस्ट फाउंडेशन अप्लाई किया, उसके बाद मैंने कंटूर शुरू कर दिया। और आप बहुत ज़्यादा एकदम भर के नहीं लगाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप इसको लगाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक देनी है। अच्छा सा इसको ब्लेंड करेंगे। अब हम आई शेड लेंगे, मैंने ग्रे कलर लिया है। मैंने सिंगल आई शेड के साथ हम काम करेंगे, इसको ग्रे कलर लिया है मैंने। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक टोटल जो आपका आई बॉल है, आँख की शेप है, टोटल मैंने ग्रे शेड इस पर अप्लाई किया। और ग्रे को भी हम लोग मिक्सिंग करते हुए करेंगे विद और लाइनर के हम आज मेकअप करेंगे। और देखें आप, बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आएगी। देखिए मैंने दोनों आँखों पर अप्लाई कर लिया। अब मैंने अपना जो है ना कंटूर कलर उसी को लिया, उसी को लेते हुए मैंने इसको क्रीज लाइन पे अप्लाई किया, और ग्रे के साथ मिक्सिंग करते हुए इसको मैं लगा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह आपने ब्लेंडिंग करनी है इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक। और ये मेरे पास एक क्रीमी टोन है जिसको मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सी आपकी आँख खुली लगती है और सॉफ्ट लगती है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत लुक लग रही है, कितनी सॉफ्ट लग रही है। यही चीज़ जो मेरा क्रीमी कलर है मैं हाईलाइट पे यूज़ कर रही हूँ, आईब्रो के साथ साथ इसको लगाते हुए अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे, फिंगर टिप के साथ ब्लेंड करेंगे। और अब ये मेरे पास वाइट शेड है जो मैं अब उस क्रीमी के ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हेंस करना है अपनी आईब्रो को जी, हाईलाइट को। मैं जो पैन केक है उसको अप्लाई कर रही हूँ वेट करके और लिक्विड बना के अपना स्पंज के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जहाँ जहाँ मुझे अपने ये हाइलाइटर करना है फेस को वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। चिन पे, चीक्स पे, आईज के नीचे, नोज़ पे, आईब्रो के साथ हल्का हल्का मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और इसको भी आपने इस तरह लगाना है कि आपने इसको साथ साथ मिक्स करना है। मेरी जो मॉडल थी उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा ग्लॉसी मेकअप हो, तो ये मेरे पास डस्ट थी और बहुत ही अच्छी ये डस्ट है, वो मैंने फुल फेस पे अप्लाई किया। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ पीच में अप्लाई कर रही हूँ ब्लश ऑन, और उसी जगह जहाँ पे मैंने अपना कंटूर किया था उसके ऊपर मैंने ये ब्लश ऑन किया, साथ नोज़ के साथ, फोरहेड के साथ, क्योंकि ये मैं मिक्स ही अप्लाई करती हूँ ताकि एक जैसी लुक लगे और बहुत सॉफ्ट लगती है। इसमें मेरा हाइलाइटर है, मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, क्रीमी हाइलाइटर है ये। अब मैं आईब्रो अपनी बनाने लगी हूँ। पहले मैंने हल्का सा कंटूर कलर उसके अंदर दिया हुआ है, अब मैं जो है ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ,
और बिल्कुल नेचुरल लुक रखते हुए मैं इसका आईब्रो करूँगी। काफ़ी स्लो दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए। ये इस कदर खूबसूरत टेक्निक है कि आप बहुत इजी वे में आप खुद भी कर सकते हैं। और एंड पे आप आईब्रो को मिक्स करेंगे, एक इसकी शेप में लाते हुए इसको आप पूरी आईब्रो पे अपना ये डार्क ब्राउन कलर में अप्लाई कर रही हूँ। इसके साथ आप अच्छी सी शेप दे देंगे, हल्की सी हार्श लाइन देंगे। इसको ब्लेंड करते हुए मेरी मॉडल की आईब्रो ज़रा बारीक है, कुछ बाल छोड़े हुए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर के साथ इसकी शेप देना चाह रही हूँ। ये देखिए कितना डिफरेंस आया इसकी आईब्रो पे। इसी तरह हम दूसरी आईब्रो पे करेंगे जी आपके सामने। अब वही जो कंटूर कलर है वो मैं आईज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ, और ये देखें आपके सामने है। साथ हल्का सा मैंने इनका ग्रे कलर भी अप्लाई किया। अब मैं इनको बिल्कुल लाइट सी इनको ना लिपस्टिक दूंगी। पहले मैंने इसके साथ हल्की सी आउटलाइन दी, बिल्कुल एक नेचुरल सी जैसे टिंट देते हैं इसी तरह देनी है, मैंने ज़्यादा नहीं देनी। और इसी तरह मैंने देखिए शेप बनाते हुए हल्का हल्का इसको इनको अप्लाई की है। ये लिप कलर है लेकिन इसको मैं बहुत कम अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो टिंट की टोन हमें मिले, क्योंकि इसका लिप कलर का कलर थोड़ा सा डार्क था, तो इसको मैंने लाइट लाइट हल्का हल्का लगा के इसको जो है ना लाइट ही इसकी टोन रखी है ताकि वो टिंट की शेप आए। ये देखिए ये आपके सामने मेरी फाइनल लुक। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपको लुक अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला जी।